सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। सो आज आप लोग बात करने वाले हैं होंडा शाइन 125 के बारे में। बाइक लेने का प्लान कर रहे हो तो ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। कलर ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। सो टोटल 5 कलर ऑप्शन शाइन 125 में अवेलेबल रहने वाले हैं। अभी फिलहाल के लिए 3 कलर ऑप्शन अपने पास अवेलेबल हैं। ये रहा अपना ब्लैक रेड मैट फिनिश में। यहाँ पर आप लोगों को एक ऑप्शन मिलने वाला है मैट ग्रे, जो कि ये रहा अपने पास बाइक अवेलेबल है। वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है मैट ग्रे कलर टोन का भी, प्लस ग्लॉसी ग्रे आपका हो जाता है। थर्ड कलर ऑप्शन मरून कलर भी अभी अपने पास है। सो ये रहा काफ़ी अच्छा शेड मरून का, ये आप लोगों को फील होने वाला है। ये हो जाता है आपका फोर्थ कलर ऑप्शन। एंड फिफ्थ होने वाला है अपना ब्लू। सो ग्लॉसी ब्लू आप लोगों को यहाँ पे मिलने वाला है। मैट कलर टोन में सिर्फ एक ही आप लोगों को ये वाला मैट ग्रे का ऑप्शन देखने को मिलने वाला है। जैसा कि SP125 में भी मैट ग्रे यहाँ पे मिल जाता है विदाउट एनी ग्राफिक्स, पर मैट ब्लू का ऑप्शन भी SP में मिलता है। ये रही अपनी शाइन 125। टोटल 2 वेरिएंट में बाइक अवेलेबल रहने वाली है। ये है आपका बेस वेरिएंट यानी कि ड्रम वेरिएंट। टॉप वेरिएंट होने वाला है डिस्क के साथ, जिसमें कि 240mm का डिस्क, जैसा कि SP में आता है सेम साइज़ का 240mm का डिस्क आप लोगों को निसिन ब्रेकिंग के साथ शाइन के टॉप मॉडल में भी कॉम्बी ब्रेकिंग के साथ देखने को मिलेगा। प्राइसिंग की बात करते हैं तो बेस वेरिएंट विद ड्रम ऑन रोड जयपुर 95,000 और टॉप वेरिएंट विद डिस्क ऑन रोड जयपुर 99,000। ये आपकी प्राइसिंग हो जाती है दोनों ही वेरिएंट के अकॉर्डिंग। लगभग 4,000 रुपये का डिफरेंस यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा। आप देख लेते हैं क्या कुछ बाइक में यहाँ पे मिलने वाला है। सेंटर में ग्लॉसी ब्लैक वाला पार्ट आ जाता है। ये आप लोगों को सभी कलर ऑप्शन में सेंटर वाला पार्ट ग्लॉसी ब्लैक कलर टोन में ही मिलेगा। क्रोम का यूज़ फ्रंट में भी है, साइड प्रोफाइल पर भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का यहाँ पर क्रोम मिल जाता है। लाइटिंग सेटअप कंप्लीट हैलोजन में ही मिलने वाला है। क्लियर ग्लास में इंडिकेटर का सेटअप है। सेम इंडिकेटर सेटअप आप लोगों को मिलने वाला है शेप यानी कि शाइन 100 में भी, पर वहाँ पर है ये ऑरेंज ग्लास में। 125 में रहने वाला है क्लियर ग्लास में। इस टाइप से कुछ फ्रंट वाइजर का सेटअप हो जाता है। शेप जैसा कि मोर ऑर लेस पहले भी आया करता था, वही E20 अपडेट के साथ भी आप लोगों को मिलने वाला है। लेग गार्ड आ जाता है जो कि पार्ट ऑफ एसेसरीज है बाइक में, ये आप लोगों को नहीं मिलेगा, एक्स्ट्रा पेस के लिए करना रहेगा। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन सेटअप है जो इसका थिकनेस है प्लस ट्रेवल एज कैटेगरी के अकॉर्डिंग काफ़ी बेस्ट हो जाता है। नंबर प्लेट की प्लेसिंग अपनी यहाँ आनी है। सबसे फ्रंट मड गार्ड है। शेप और साइज़ जैसा कि इस कैटेगरी में रहता है वही सेम अगेन ये भी रहने वाला है। रिफ्लेक्टर आ जाता है जो कि मैंडेटरी वाला पार्ट है। ट्यूबलेस यहाँ पर आप लोगों को टायर मिलेगा। ब्रांड डिफर कर सकता है, यहाँ पर है मैक्सिस का और इस वाली बाइक में ये है MRF का। सो ब्रांड लॉट टू लॉट आपको डिपेंड करेगा। 8018 का टायर फ्रंट भी है और 8018 ही आपका रियर भी रहने वाला है। इस टाइप से अलॉय का शेप है, मैट ब्लैक कलर टोन में। ट्यूबलेस यहाँ पे ये टायर है अगेन, जो कि काफ़ी बेस्ट हो जाता है। शाइन 100 में ट्यूब वाला टायर आप लोगों को मिलने वाला है। ब्रेकिंग सेटअप देख लेते हैं तो 130mm का ड्रम वेरिएंट में फ्रंट भी और रियर भी दोनों ही 130mm का ड्रम रहने वाला है कॉम्बी ब्रेकिंग सेटअप के साथ। तो ये हुआ प्रो अपना ब्रेकिंग का मैकेनिज्म। इस टाइप से कुछ रियर व्यू मिरर हैं, जैसा कि शेप सेम हमेशा से एक्टिवा वगैरह में भी मिलता ही है वही वाला सेटअप यहाँ पर भी है। साइड प्रोफाइल से बाइक देखते हैं तो सीट हाइट का भी कोई इशू नहीं होने वाला। शॉर्ट हाइट आपकी है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। 790mm 790mm की टोटल सीट हाइट है। सीट का साइज़ देख सकते हो, काफ़ी बड़े साइज़ का सीट मिल जाता है, प्लस काफ़ी चौड़ा भी, और पिलियन कंफर्ट भी काफ़ी अच्छा बन जाता है, और सॉफ्टनेस भी यहाँ पे अच्छी खासी मिलने वाली है। फ्यूल टैंक आपका मेटल में है, बाकी ओवरऑल बॉडी यहाँ पे मिलेगी फाइबर में। मेटल में सिर्फ फ्यूल टैंक रहने वाला है। होंडा की ब्रांडिंग आ जाती है जो कि एम्बलम 3D वाला रहने वाला है यहाँ पे क्रोम में। स्टिकरिंग का काम है, स्टिकर आप लोगों को E20 का मिल जाता है, एक वार्निंग वाला स्टिकर यहाँ है। इस टाइप से कुछ फ्यूल कैप है, जैसा कि SP125 में भी अवेलेबल रहता है। टोटल 10.5 लीटर 10.5 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी शाइन 125 में आप लोगों को मिलने वाला है। साइड पैनल पे 125 की ब्रांडिंग आ जाती है, क्रोम का यूज़ है, प्लस ESP भी यहाँ पे मिलने वाला है, इनहांस स्मार्ट पावर, जो कि सभी स्कूटी में सभी बाइक्स में होंडा में अवेलेबल रहने वाला है। शाइन की ब्रांडिंग रियर फेयरिंग पे आप लोगों को मिल जाती है। इस टाइप से कुछ एग्जॉस्ट का सेटअप है। हीट शील्ड अपना प्रॉपर क्रोम में ही है। सेम वही ग्रेडिंग रियर टायर की भी रहने वाली है, 8018। मैक्सिस का टायर रियर भी है, ये आप लोग देख सकते हो टायर का सेटअप सेम, दोनों ही फ्रंट और रियर किक प्लस सेल्फ दोनों का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा लोगों को ये चीज़ ना चाहिए होती है, और कहना पड़ेगा भाई काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल सेटअप भी किक के साथ हो जाता है। कैटलेटिक कन्वर्टर पे कोई भी यहाँ पे गार्ड देखने को नहीं मिलेगा। फुट पैक फिक्स वाला राइडर का रहने वाला है, और पिलियन का इस टाइप से प्रॉपर एडजस्टमेंट के साथ आने वाला है। इंजन स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं तो 123.94 cc का एयर कूल्ड इंजन यहाँ पे मिल जाता है 5-speed गियरबॉक्स के साथ। 11.02 bhp का पीक पावर और 11.11 nm का ही यहाँ पर आप लोगों को टॉर्क मिलने वाला है। टॉप स्पीड जो कंपनी क्लेम करती है लगभग 90 से 100 का रहता है, पर 105-110 तक भी शाइन 125 आप लोगों को जाके दे सकती है। प्लस होंडा की रिलायबिलिटी और होंडा की रिफाइननेस यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी भरपूर मिलने वाली है। रियर लुक देख लेते हैं तो शाइन की ब्रांडिंग
साइड फेयरिंग पे, रियर फेयरिंग पे आना ही है। सिंगल पीस में ही यहाँ पर आप लोगों को ग्रे ब्रेल भी मिल जाता है, बॉडी कलर में ही सेम जो जिस भी कलर की आपकी गाड़ी रहेगी। रियर टेल टाइडी जो कि शेप और साइज़ इस कैटेगरी के अकॉर्डिंग काफ़ी इनफ मिल जाता है। ये रहा अपना टेल लैंप, हेलोजन में ही रियर का लाइटिंग सेटअप भी कंप्लीट रह जाता है। ये रहा अपना टायर का पैटर्न रियर का, और कुछ इस टाइप का टायर का पैटर्न बनता है MRF का, जो कि मोर और लेस यहाँ से सेम ही रहने वाला है। बस थोड़ा बहुत किलोमीटर का डिफरेंस लाइफ में आपको हो सकता है। चेन का सेटअप कंप्लीट कवर्ड वाला यहाँ पर आप लोगों को फाइबर कवरिंग के साथ देखने को मिल जाता है। फुटरेस्ट विद साड़ी गार्ड मिल जाता है। ड्यूल हाइड्रोलिक स्प्रिंग वाला सेटअप सस्पेंशन का है एडजस्टमेंट के साथ। साइड स्टैंड सेंटर स्टैंड दोनों हैं, साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ के साथ। ड्यूल हेड में गियर लीवर यहाँ पर आप लोगों को मिलने वाला है। इस टाइप से कुछ राइडर POV है। MID सेटअप कंप्लीट एनालॉग में यहाँ पर आप लोगों को मिलेगा। 140 तक स्पीडोमीटर में मार्किंग है। और ये रहा अपना ओडोमीटर, इंडिकेटर, हाई बीम लो बीम, फ्यूल गेज जो कि 10.5 लीटर का है, न्यूट्रल, साइड स्टैंड डाउन की वार्निंग, इंजन जैक लाइट, शाइन की ब्रांडिंग यहाँ पर है, इग्निशन स्विच अपना रेगुलर जगह पे ही है। की का सेटअप सेम हमेशा से जो चला आ रहा है रेगुलर पैटर्न में ही, ये सेटअप आपको अभी भी शाइन 125 में मिलने वाला है। बाइक में बैटरी इंस्टॉल नहीं है, पर इतना मेजर कोई रोल यहाँ पे ना स्टार्टअप वगैरह नहीं रहता। क्लच लीवर काफ़ी ज़्यादा स्मूथ क्लच यहाँ पे आप लोगों को मिलेगा, क्योंकि मैं पर्सनली SP125 को यूज़ कर रहा हूँ। अभी अपनी फर्स्ट सर्विस भी होने वाली है, जैसा कि आप लोगों को पता ही है डिस्क वाला वेरिएंट ही मैंने प्रीफर किया था, तो क्लच का फील ना काफ़ी ज़्यादा मुझे अभी तक पर्सनली काफ़ी पसंद आया, क्योंकि सेम ही सेटअप यहाँ पे मिलने वाला है। स्विचेस हाई बीम लो बीम प्लस पास इस टाइप से एक स्विच मिल जाता है, यहाँ पे कुछ नहीं है। इंडिकेटर हॉर्न सिंगल बजर में ही रहेगा। सेल्फ स्टार्ट का स्विच राइट साइड पर जाता है, किल स्विच प्लस सेल्फ स्टार्ट, तो ये 3-in-1 एक स्विच इस टाइप से वर्किंग आपका रहने वाला है। बाकी ग्रिप कवर वगैरह होंडा में काफ़ी अच्छी पेंट फिनिश क्वालिटी भी प्लस रबर क्वालिटी भी सभी बाइक्स में, सभी स्कूटीज़ में भी अवेलेबल रहती है। सो ये हुआ अपना MID सेटअप। 10.5 लीटर का फ्यूल टैंक है, 790 mm की सीट हाइट रहने वाली है। सीट आप लोग यहाँ से देख सकते हो कितना ही ज़्यादा बड़ा साइज़ सीट का अपने को मिलने वाला है। रियर लुक इस टाइप का कुछ आपको बाइक में मिल जाता है। कलर ऑप्शन आपको कौन सा पसंद है शाइन 125 में, ब्लैक, रेड, मैट ग्रे, ग्लॉसी ग्रे, या फिर मरून, या फिर आपका ब्लू वाला? सो वो चीज़ कमेंट में आप लोग ज़रूर से शेयर करके अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हो। तो करते अपना ये वाला वीडियो एंड, और मिलते अगले वीडियो के साथ इसी के नेक्स्ट डे। जब तक के लिए ध्यान रखो खुद का भी, घर वालों का भी, और आपकी गाड़ियों का भी। टेक केयर, बाय बाय।